असलम गॉयज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप यू गॉइज आर डूंग वेल आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी हाउ टू डू काशीज़ ब्राइडल मेकअप टूटोरियल स्टेप बाई स्टेप सो काशीज़ की मेकअप वीडियोज़ यकीन आप लोगों ने देखी होगी एज़ यू नो उनका मेकअप बहुत ही यूनिक होता है और मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ईजी भी है सो टूडे आई एम गोइंग टू क्रिएट काशीज़ इंस्पायर आई मेकअप लुक इसको क्रिएट करने के लिए आप, आपको कोई भी एक्सपेंसिव स्टफ़ की जरूरत नहीं होगी बस आपके पास जो अवेलेबल है आप वही प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है हाउ टू क्रिएट दिस लुक सो की मेरे चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो पहले मैं अपनी आईब्रो को फिलअप करूँगी हेयर आई एम यूजिंग मिसरोज आई ब्रो पैलेट एज यू नो मैं ब्राउन शेड यूज करूँगी इस एंगल ब्रश के साथ और यहाँ मैं एक लाइन क्रिएट करूँगी अपनी आईब्रोज़ को फ़िलअप करने के लिए बहुत ही लाइट लाइट साफ फ़िलअप करूँगी अपनी आईब्रोज़ को अगर आपके पास जेल लाइनर है तो आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपका आईब्रो बहुत ही लाइट है तो आप डार्क शेड यूज़ करें नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी डरमाकोल की मेकअप कवर एज़ माई कंसीलर इसकी हेल्प से मैं अपनी ब्रो बोन एंड आई लिट को कंसील करूँगी अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप मेकअप कवर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ मैं यूज़ करूंगी ज़ोइवा का कंसीलर ब्रश इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि आईब्रो जो है वो क्लीन लगे और सेम थिंग मैं अपनी आई लेट पर भी अप्लाई करूँगी एंड सेम कंसीलर के साथ अपनी अपर बॉर्डर ब्रॉ को भी क्लीन करूँगी इससे जो है आपको बहुत ही अच्छी आईब्रो शेप मिल जाएगी सो so नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी सोफिया की कंपैक्ट पाउडर कलर नंबर ज़ीरो फोर में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपैक्ट पाउडर है सो so इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईलिट पर ताकि मेरा जो कंसीलर है वो अच्छी तरह से बैठ जाए इसको मैं जोइवा कंसीलर बफर ब्रश के साथ अच्छी तरह से अपने आई लिड पर अप्लाई करूँगी नाउ आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी हाई टू हाई लाइट माई इनर कॉर्नर एंड ब्रोबोन काशीज़ का जो आई मेकअप लुक होता है उसमें पहले हाई लगाया जाता है सो आई एम फॉलोइंग दो स्टेप्स और इस थिन ब्रश के साथ अच्छे से अपनी ब्रोबोन को हाईलाइट लाइट करूँगी और सेम थिंग अपनी इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूँगी नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये डार्क ग्रीन शेड सो so, ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं काशीस की स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ तो पहले मैं अपनी आई से आई शेडो लगाना शुरू करूँगी इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक फ्लफ़ी सा ब्रश यूज़ करूँगी और ग्रीन शेड को अच्छी तरीके से अपनी आई पे अप्लाई करूँगी नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये शिमरी वाला ग्रीन आई और इसको भी अपनी आई लिट अप्लाई करूँगी एक अच्छा सा ग्लिटरी ग्लिटरी लुक देने के लिए और नेक्स्ट मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी इसको मैं एक स्मॉल ब्रश के साथ अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी ब्राउन शेड को मैं अच्छी तरीके से अपनी क्रीज पे ब्लेंड करूँगी ताकि एक अच्छी ट्रांजिशन लुक क्रिएट हो सके सो so, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आई मेकअप लुक जैसा भी आई मेकअप लुक हो उसमें ब्लेंडिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए आपका पूरा लुक जो है आपकी ब्लेंडिंग पे डिपेंड करता है और यहाँ मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ब्लैक शेड इसको मैं अपनी आउटलेट पे अप्लाई करूँगी इसको भी अच्छी तरीके से अपनी आउटलीट पे एक स्मॉल ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी और ब्लैक ब्लैक शेड को ग्रीन एंड ब्राउन शेड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी दोनों शेड्स के बीच में एक अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और यहाँ मैं अगेन ब्लैक शेड यूज़ करूँगी ताकि दोनों शेड्स के बीच में एक अच्छा सा ट्रांजिशन लुक क्रिएट हो जाए नेक्स्ट आई एम यूजिंग जेनी लिक्विड आई शेडो फिक्सर जो कि ग्लिटर लगाने से पहले बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है मैं यूज़ करूँगी रोज़ की ग्लिटर पैलेट और इसमें से ग्रीन ग्लिटर यूज़ करूँगी जिसमें तकरीबन गोल्डन शिमर भी मिक्स है और इसको भी मैं अप्लाई करूँगी बिल्कुल एक टैप टैप मोशन में टैपिंग करते हुए अपनी आई पे अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पैरिस के प्रोफेशनल केक आईलाइनर। सो पहले मैं अपनी आउट से आईलाइनर लाइनर ड्रा करना शुरू करूँगी लाइनर लगाते वक्त मेक श्योर कि आपकी आइस खुली हुई हो और यहाँ से एक अच्छा सा विंग क्रिएट करूँगी मैं बहुत ही थीन लाइनर लगाऊँगी आपका जो लाइनर विंग है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए अदरवाइज बहुत ही मेसी लग सकता है लाइनर भी आई मेकअप में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है और लाइनर जो है वो भी आपकी पूरी लुक पे डिपेंड करता है सो so, लाइनर लगाने में थोड़ा बहुत फोकस करें सो so, यहाँ मैं अपनी इनर कॉर्नर में भी विंक क्रिएट करूँगी एंड अगेन ब्लैक शेड की हेल्प से अपनी लाइनर को अच्छी तरीके से आउट करूँगी ताकि लाइनर के साथ थोड़ा सा स्मोकिनेस भी क्रिएट हो सके और बहुत ही लाइट लाइट साइ इसको स्मॉल ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी और नेक्स्ट यूज़ करूँगी फेसिट की वाइट जेल लाइनर खाशीज़ इंस्पायर्ड आई मेकअप लुक में ये वाइट जेल लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सो so, यहाँ मैं अपनी लोअर लेश लाइन को ब्राउन uh, शेड की हेल्प से अच्छी तरह से स्मोक आउट करूँगी नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी बॉप मस्कारा ये बहुत ही अच्छी लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ मस्कारा है इसको मैं अपनी लोअर एंड अपर लेशेज़ पर लगाऊँगी इससे जो है आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लुक मिल जाएगी सो दिस इज़ माई फाइनल लुकाइज आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी

लाइक like ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इन मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक अच्छी यूज़फुल वीडियो लाऊँगी सो टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय